हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गेहूं के आटे की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रेसिपी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आसानी से कम सामान से झटपट बनकर रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए ऐसी ही रेसिपी लेके आते हैं जो आसानी से बनकर रेडी हो जाए और घर के ही सामान से बनकर रेडी हो। आपको मार्केट से कोई ज़्यादा कोई सामान लेने की ज़रूरत ना पड़े। कम सामान में आपके लिए हम अलग से अलग रेसिपी और आसान से आसान रेसिपी लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही आसान और कम सामान की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले लेटेस्ट वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर अपने व्यूज़ और एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमने एक कप गेहूं का आटा लिया है। तो ये आटे को हम मिक्सर जार में डालेंगे। दो हरी मिर्च इसमें हम डालेंगे, हरी मिर्च को तोड़कर हम इसमें डाल देंगे। तीन लहसुन की कली इसमें ऐड करेंगे। हाफ कट किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे। एक चौथाई चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। दो चम्मच इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही इसमें हमें थोड़ा खट्टा ही लेना है, चाहे आप घर का दही लें या फिर बाजार का लें। चटपटा टेस्ट के लिए थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। एक चुटकी जितनी इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। एक कप इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो इसे हमें मिक्सर में चर्न कर लेना है। तो देखिए, इसको हमने मिक्सर में चर्न कर लिया है। अब इसे हम एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। तो देखिए, ये बैटर हमारा इस तरीके से कुछ होना चाहिए कि जब हम इसको इस तरीके से मिक्स करें तो ये जो भी बर्तन आप ले उसमें इस तरीके से कोटिंग हो जानी चाहिए। अब हम गैस पर बर्तन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेंगे, यानी कि हाफ चम्मच जितना हम ऑयल लेंगे। इसमें हम 1/4 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। दो पिंच इसमें हम हींग ऐड करेंगे। एक कच्चे में प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम थोड़ी देर इसमें फ्राई करेंगे। प्याज थोड़ा फ्राई होने के बाद इसमें हम हाफ कट के हुए शिमला मिर्च ऐड करेंगे। एक हरी मिर्च ऐड करेंगे। तीखा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा भी तीखा खाना पसंद करते हो। तो इसे भी हम थोड़ी देर पका लेंगे। तो शिमला मिर्च को भी इसमें हमने थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है। अब इसमें हम एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 3 से 4 चुटकी। इसमें हम एक उबला हुआ आलू ऐड करेंगे जिसे हमने मैश कर लिया है। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर पका लेंगे। तो देखिए, ये आलू का मसाला हमारा रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हमने सिर्फ इसमें हरी मिर्च का ही यूज़ किया है और लास्ट में चाहे तो इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा आलू का मसाला रेडी हो चुका है। गैस हम ऑफ कर देंगे। तो अब हम गैस पर हमने तवा लिया है, इसमें हम कुछ बूंद तेल की डालेंगे। इसे हम फैला देंगे ब्रश की हेल्प से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बैटर था हमारा उसमें हमने थोड़ी सी धनिया ऐड कर दी और इसे मिक्स कर लिया है। तो एक चम्मच बैटर हम इसमें पोर करेंगे, इसे फैला देंगे। गैस की फ्लेम को लो पे ही रखेंगे। देख सकते हैं ये धीरे धीरे कुक हो रहा है। तो एक साइड से थोड़ा सिकने पर हम इसे पलटेंगे। तो दूसरी साइड भी हम हल्का इसको सेक लेंगे। दूसरी साइड हल्का सिकने पर इसे हम दोबारा पलटेंगे। और जो हमने आलू का मसाला बनाया है वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो इसको हम फोल्ड करेंगे। किनारे को भी साइड से हम मोड़ देंगे और इसको फ्रेंड्स हल्का सा हमें दबा के रखना है ताकि जो किनारे है वो चिपक जाए। बहुत ही अच्छे से रेडी हो रहा है। एक साइड इसको थोड़ा हम सिकने देंगे। तो सिकने के बाद अब इसको हम पलटेंगे। फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को हमने लो मीडियम पे कर दिया है। देख सकते बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा इसमें कलर आ गया है। दूसरी साइड भी सेक लेंगे इसको थोड़ा।
तो कुछ भून तेल में बनने वाला ये नाश्ता है बहुत ही हेल्दी भी है, खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो फ्रेंड्स ट्राई जरूर करें घर पर एक बार। आप इसको चाहे तो नाश्ता बोल सकते हैं या फिर चाहे तो रोल बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और कम ऑयल में गेहूं के आटे से बनकर रेडी हुआ है तो टेस्टी भी है और खाने में बिल्कुल ऑयली भी नहीं लगता, तो आप ज़्यादा भी खा सकते हैं। तो दूसरी साइड से भी हमने इसको सेक लिया है। तो ऐसे ही हम सारे रोल रेडी कर लेंगे, हल्का सा ऑयल लगा देंगे इसमें, बैटर को डालेंगे और उसे फैला देंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स ये रैपर जो हम बनाएंगे इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारे गेहूं के आटे का बहुत ही टेस्टी नाश्ता रेडी हो चुका है, तो बहुत ही आसानी से झटपट बनकर रेडी हो जाता है। आप भी इसे जरूर घर पर एक बार ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ही हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ही हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने प्यार से कमेंट भी कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर और बेल टिक करना ना भूलें। अब हमको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।